नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम पढ़ रहे हैं मस्कुलर सिस्टम अर्थात पेशी तंत्र, जिसे आप मांसपेशी तंत्र भी कह सकते हो। गाइज, इसका पार्ट वन कंप्लीट हो चुका है, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट टू। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, मस्कुलर सिस्टम अर्थात पेशी तंत्र, या फिर बेटा आप इसे मांसपेशी तंत्र भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भैया पार्ट टू है। पार्ट वन में मैंने आपको जो जो पढ़ाया है उसका मैं फटाफट रिवीजन करवा देता हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था बेटा स्टेडी ऑफ मसल्स, स्टेडी ऑफ मसल्स यानी कि पेशियों का अध्ययन। पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने आपको बताया था कल मायोलॉजी, माइकोलॉजी नहीं बेटा, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन था, और दूसरा सार्कोलॉजी। ठीक है, फिर मैंने आपसे बताया था बेटा, मैंने आपको कि मसल्स क्या होती है यानी कि पेशी क्या होती है, मसल्स। तो मैंने आपको बताया था कि बोन्स यानी कि आपकी जो अस्थियां होती है, इन अस्थियां और आपकी जो त्वचा है यानी कि आपकी जो स्किन है, इसके बीच का जो अधिकांश भाग है बेटा, ये अधिकांश भाग ही बेटा आपकी मसल्स होती है, आपकी पेशी होती है। इतनी बात क्लियर है। मैंने आपको बताया था बेटा कि टोटल हमारे शरीर में 639 पेशियां होती है। सबसे छोटी पेशी का नाम क्या था, स्टेपिडियस। सबसे लंबी पेशी का साइटोरियस। सबसे बड़ी का ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे मजबूत का मेसेटर। सबसे व्यस्त का कार्डियक। सबसे सक्रिय आयरिस। ये सभी बेटा इन पेशियों के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो एक्टोडर्म होती है, अब एक्टोडर्म क्या है बेटा, तो एक्टोडर्म है भ्रूणीय परत है बेटा, ये सबसे बाहरी, ये सबसे बाहरी भ्रूणीय परत है, और इस एक्टोडर्म से बेटा आयरिस का, ये आयरिस एक मसल्स होती है और एक होती है सिलियरी, इन दोनों मसल्स का निर्माण हो रहा था। और मेजोड्रम से, ये मेजोड्रम भी बेटा एक प्रकार की भ्रूणीय परत है, बाकी के जितने भी मसल्स है बेटा इन सभी का निर्माण किससे हो रहा था, आपकी भ्रूणीय परत जो बीच वाली है बेटा मेजोड्रम, इससे हो रहा था। कल मैंने आपको इन भ्रूणीय परतों के बारे में भी लास्ट में बताया था। तो इतनी हम कल चर्चा कर चुके थे बेटा। तो आशा करता हूं कल के क्लास से आपने थोड़ी बहुत रिलेटेड किया होगा इस क्लास को, और फिर बेटा आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, ओके, अब इन्हें मिटा देते हैं और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। गाइज, मैंने आपको बताया था कि कल हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मसल्स, टाइप ऑफ मसल्स। देखिए बेटा, पेशियों के प्रकार। अब हेडिंग क्या लगाओगे आप, आपको हेडिंग लगाना है बेटा टाइप ऑफ मसल्स, पेशियों के प्रकार। आपकी जो पेशियां होती है बेटा वो तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा, तीन प्रकार की होती है। पहली होती है भैया रेखित, रेखित पेशी, जिसे कहा जाता है स्ट्रेट मसल्स। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है बेटा अरेखित पेशी, अरेखित पेशी, जिसे कहा जाता है बेटा अनस्ट्रेट मसल, अनस्ट्रेट मसल्स। और तीसरी होती है भैया हृदय पेशी, इसे इंग्लिश में बोला जाता है कार्डियक मसल्स।
बोलो भैया, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? हम पेशियों के प्रकार पढ़ रहे हैं, ये तीन प्रकार की होती है बेटा। कितने प्रकार की होती है भैया? तीन प्रकार की होती है। पहली होती है रेखित पेशी, जिसे कहा जाता है बेटा स्ट्रेट मसल। दूसरी होती है अरेखित पेशी, जिसे कहा जाता है अनस्ट्रेट मसल्स। और तीसरी होती है बेटा हृदय पेशी, जिसे कहा जाता है कार्डियक मसल। अब हम बेटा एक एक प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा रेखित पेशी के बारे में। अब ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला हेडिंग लगा लीजिए बेटा, रेखित पेशी, रेखित पेशी यानी कि स्ट्रेट मसल्स। अब यहां से मैं आपको कुछ पॉइंट लिखाने वाला हूं बेटा, इन प्रकारों से, इन पेशियों से संबंधित। तो इसमें पहला पॉइंट लिखोगे आप कि हमारे शरीर की जो अधिकांश पेशी होती है बेटा, वो रेखित पेशी होती है। हमारे शरीर में जो ज्यादातर पेशी पाई जाती है बेटा, हमारे शरीर में कितनी पेशी पाई जाती है? तो टोटल बेटा हमारे शरीर में, मैंने आपको कल बताया था, 639 पेशियां पाई जाती है। कितनी पेशी पाई जाती है? 639 पेशी पाई जाती है, जिनमें से अधिकांश लगभग 400 पेशियां बेटा रेखित पेशी होती है, यानी कि स्ट्रेट मसल्स होती है। इतनी बात क्लियर है? तो अधिकांश पेशी लगभग 400 रेखित पेशी होती है। भाई हमारे शरीर में टोटल कितनी पेशी होती है? 639, जिसमें से बेटा जो अधिकांश पेशी होती है लगभग 400, वो बेटा रेखित पेशी होती है। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी बेटा, ये जो पेशी होती है रेखित पेशी, ये पेशियाँ अस्थियों से जुड़ी हुई होती है, हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, इसलिए इन पेशियों को कंकालीय पेशी कहा जाता है, कंकाल पेशी के नाम से जाना जाता है। ये पेशी अस्थियों से जुड़ी होती है, अस्थियों से जुड़ी होती है, इसलिए इन पेशियों को क्या कहा जाता है बेटा? कंकालीय पेशी भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? ये पेशियां हमारी अस्थियों से, हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, इसलिए इन पेशियों को क्या कहा जाता है बेटा? कंकालीय पेशी कहा जाता है। नंबर तीन पर, ये पेशी हमारी इच्छा से काम करती है, इच्छा से काम करती है। ये पेशी बेटा हमारी इच्छा से काम करती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है ऐच्छिक पेशी, इसलिए इन्हें कहा जाता है बेटा ऐच्छिक पेशी, इसलिए इन पेशियों को कहा जाता है ऐच्छिक पेशी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कंकालीय पेशी कौन सी होती है बेटा, तो रेखित पेशियों को ही कंकालीय पेशी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी अस्थियों से जुड़ी हुई होती है। और बेटा ऐच्छिक पेशी इन रेखित पेशियों को ही कहा जाता है, क्योंकि ये पेशी हमारे इच्छा से काम करती है, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। अब बात आती है बेटा कि ये पेशियां होती कहाँ कहाँ पर है। भाई ये पेशी होती कहाँ है? तो याद रखना बेटा ये इंपॉर्टेंट, हमारे हाथ में यही पेशी पाई जाती है। कौन सी? रेखित पेशी। हमारे पैर में जो पेशी पाई जाती है वो भी बेटा यही पाई जाती है। हमारे पीठ में जो पेशी पाई जाती है बेटा, वो भी रेखित पेशी पाई जाती है। और हमारी गर्दन में जो पेशी पाई जाती है बेटा, वो भी यही पेशी पाई जाती है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम आता है? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इधर देख लीजिए, इसकी संरचना कैसी होती है बेटा? इसकी जो संरचना होती है वो तंतुनुमा होती है, इसमें तंतु पाए जाते हैं। बहुकेंद्रीय होती है, यानी कि इसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर फोटो लगा दूंगा, आप देख लेना बेटा। बहुकेंद्रीय होती है
और बात करें तो लंबी होती है बेटा, और साथ ही साथ में बेलनाकार भी होती है, साथ ही साथ में ये बेलनाकार भी होती है। इसमें बेटा हल्के वह गहरे रंग के पट्ट पाए जाते हैं बेटा। और ये लाइन जो है, ये लाइन बेटा आपसे ग्रुप डी में पूछी गई है कि रेखित पेशियों में हल्के वह गहरे रंग के पट्ट पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। तो बेटा आपको याद रखना है, ये हल्के वह गहरे रंग के पट्ट पाए जाते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। याद रखना बेटा, ये जो रेखित पेशी होती है ये रुकती भी है और बेटा ये थकती भी है, ये रुकती भी है और बेटा थकती भी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो रेखित पेशियां होती है बेटा ये रुकती भी है और थकती भी है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपको रेखित पेशियां समझ में आई या नहीं आई। सिर्फ जो मैंने आपको बताया है बेटा उतनी बातें याद रख लीजिए, यकीन मानिए आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतनी मेरी गारंटी है। आज मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि आपकी पेशियों के प्रकार के बारे में हम पढ़ रहे थे बेटा। आपकी पेशियां तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। पहली होती है रेखित पेशी यानी कि स्ट्रेट मसल, दूसरी होती है अरेखित पेशी, इसका मतलब होता है बेटा अनस्ट्रेट मसल्स, तीसरी होती है हृदय पेशी, जिसे आप कार्डियक मसल्स कहते हो बेटा। पहले हम पढ़ रहे हैं रेखित पेशी यानी कि स्ट्रेट मसल्स। इसके बारे में मैंने आपको कुछ पॉइंट लिखा है। अधिकांशतः ये पेशी जो होती है बेटा, जो रेखित पेशी है, लगभग 400 ये रेखित पेशियां होती है, यानी कि हमारे शरीर में टोटल 639 पेशियां पाई जाती है, जिनमें से जो अधिकांश पेशी होती है वो बेटा रेखित पेशी होती है लगभग 400। इतनी बात क्लियर। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा था कि ये जो रेखित पेशी होती है बेटा, ये अस्थियों से जुड़ी हुई होती है, इसलिए हम इसे कंकालीय पेशी भी कहते हैं। नंबर तीन पर मैंने आपको लिखा है कि ये पेशी हमारी इच्छा से काम करती है, इसलिए बेटा इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। ये पेशी हमारे हाथ में, पैर में, पीठ में, गर्दन में उपस्थित होती है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ऐच्छिक पेशी और कंकालीय पेशी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। ये जो पेशी होती है ये रुकती भी है और थकती भी है, ये बेटा रुकती भी है और थकती भी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसकी संरचना बेटा तंतुमय होती है, बहुकेंद्रीय होती है यानी कि बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, लंबी होती है, बेलनाकार होती है और इसकी संरचना में बेटा हल्के वह गहरे रंग के पट्ट पाए जाते हैं। इस संरचना में बेटा हल्के वह गहरे रंग के क्या पाए जाते हैं? स्पष्ट पट्ट पाए जाते हैं बेटा। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो रेखित पेशी कंप्लीट हो गई। ओके, तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा देता हूं और भैया हम आगे चलते हैं। आगे चले भैया, बताओ चले क्या? ओके, मिटा देता हूं। अब बेटा हम पढ़ने वाले हैं नंबर दो पर अनैच्छिक पेशी, जिसे आप अरेखित पेशी भी कहते हो, जिसे आप अरेखित पेशी भी कहते हो। भैया ध्यान से समझना बेटा, अगर एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया तो एक भी डाउट नहीं रहेगा आपका, ठीक है? और फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा हुआ है, आप जाके पूछ सकते हो भैया, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाता है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। देखिए नंबर दो पर बात करते हैं बेटा अरेखित पेशी की, अरेखित पेशी की, ठीक है, और अनस्ट्रेट मसल्स की, ठीक है। देखिए भैया ये जो अरेखित पेशी होती है बेटा, ये हमारी अस्थियों से जुड़ी हुई नहीं होती। ये अरेखित पेशी बेटा हमारी अस्थियों से जुड़ी हुई नहीं होती, इसलिए इन्हें अकंकालीय पेशी कहा जाता है। पहला पॉइंट, ये पेशियां अस्थियों से
या हड्डियों से, जुड़ी नहीं होती, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? अकंकालीय पेशी कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? अकंकालीय पेशी कहा जाता है। जो पेशी बेटा आपकी हड्डियों से जुड़ रही थी उसे कहा कंकालीय पेशी, लेकिन जो पेशी आपकी अस्थियों से, आपकी हड्डियों से जुड़ी नहीं हुई है उन्हें कहा गया है बेटा अकंकालीय पेशी। पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो पेशी होती है बेटा, ये पेशी हमारी इच्छा से काम नहीं करती है, हमारी इच्छा से काम नहीं करती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अनैच्छिक पेशी कहा गया। नाम से स्पष्ट हो रहा है बेटा, ऐसी पेशी जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती है उन्हें कहा जाता है अनैच्छिक पेशी। इतनी बात क्लियर है? उन्हें कहा जाता है अनैच्छिक पेशी। तो अब तक मैंने आपको सिर्फ दो पॉइंट बताए अरेखित पेशियों से। पहला, ये पेशियां अस्थियों व हड्डियों से जुड़ी नहीं होती है, इसलिए इन्हें अकंकालीय पेशी कहा जाता है। दूसरा, ये पेशी हमारी इच्छा से काम नहीं करती है, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशी कहा जाता है। याद रखना बेटा, ये जो पेशी होती है, ये जो अरेखित पेशी होती है, ये बेटा रुकती तो है, तीसरा पॉइंट, ये पेशी रुकती है मगर, दिख तो रहा है ना आपको, थकती नहीं है बेटा, लेकिन मैंने रेखित पेशियों में लिखाया था वो पेशियां रुकती भी है और थकती भी है, लेकिन ये पेशियां रुकती तो है लेकिन बेटा थकती नहीं है। इतनी बात क्लियर है? आइए इसकी संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी संरचना होती है बेटा स्पेंडल आकृति की। स्पेंडल सही लिखा है ना मैंने? स्पेंडल आधा ना आएगा बेटा, ये स्पेंडल आकृति की होती है। अब ये स्पेंडल आकृति कैसी होती है बेटा? तो सिरों से तो बेटा, यानी कि किनारों से तो पतली होती है, बीच में से मोटी होती है, ऐसी आकृति को कहा जाता है स्पेंडल आकृति। और इसमें बेटा एक केंद्रक होता है, इसमें सिर्फ एक केंद्रक पाया जाता है। तो ऐसी पेशी दिखे आपको बेटा तो समझ लेना, बेटा वो अरेखित पेशी है, इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं भैया उदाहरण की कि किस किस में पाई जाती है। देखिए, आपके जो आहार नाल है, आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है, उस एलिमेंट्री कैनाल में बेटा अरेखित पेशी पाई जाती है, ठीक है। गर्भाशय की बात करें तो गर्भाशय में भी बेटा अरेखित पेशी पाई जाती है। पित्ताशय की बात करें तो पित्ताशय में भी बेटा अरेखित पेशी पाई जाती है। मूत्राशय के बारे में बात करें तो मूत्राशय में भी बेटा अरेखित पेशी पाई जाती है। इतनी बात क्लियर है? योनि की बात करें, वेजाइना की बात करें तो योनि में भी बेटा अरेखित पेशी पाई जाती है। सीसन की बात करें, पेनिस की बात करें, उसमें भी बेटा अरेखित पेशी पाई जाती है। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? और बात करें तो बेटा पलिहा में भी, कौन सी पेशी पाई जाती है बेटा? अरेखित पेशी पाई जाती है। देखिए, आहार नाल में, गर्भाशय में, पित्ताशय में, मूत्राशय में, योनि में, सीसन में और पलिहा में, इन सभी में बेटा जो पेशी पाई जाती है वो पेशी पाई जाती है बेटा अरेखित पेशी। कौन सी पेशी पाई जाती है भैया? अरेखित पेशी पाई जाती है। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जल्दी जल्दी बता दीजिए। नहीं होनी चाहिए बेटा। एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। नंबर दो पर बेटा हम पढ़ रहे हैं अरेखित पेशी, अनस्ट्रेट मसल्स। गैज, ये पेशी हमारी अस्थियों से जुड़ी हुई नहीं होती, इसलिए हमने अकंकालीय पेशी कहा।
अकंकालीय पेशी कहते हैं। ये पेशियां हमारी इच्छा से काम नहीं करती, इसलिए इन पेशियों को अनैच्छिक पेशी कहा जाता है। ये पेशियां रुकती तो है लेकिन बेटा थकती नहीं है। संरचना की बात करें तो स्पिंडल आकृति की होती है, इसमें एक केंद्रक होता है। इसकी संरचना का चित्र भी बेटा मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? आहार नाल में, गर्भाशय में, पित्ताशय में, मूत्राशय में, योनि में, शीशन में, पलिहा में, इन जगह पर बेटा ये अरेखित पेशी पाई जाती है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बेटा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, तो ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, ओके। कुछ महत्वपूर्ण सूचना है, सुबह 6 बजे हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में बेटा मैं बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ, जिसका आंसर हर रोज 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपके पकड़ रहे। ये वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है, या फिर बेटा इस क्वेश्चन को आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। 7 बजे सुबह वाले बैच में, सुबह 7 बजे बेटा थ्योरी वाला बैच में आपको करवा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी की थ्योरी पढ़ाता हूँ, यानी कि बायोलॉजी के विभिन्न अलग अलग चैप्टर पढ़ाता हूँ। और बायोलॉजी के बेटा इस यहाँ पर ही मैं क्वेश्चन भी करवाता हूँ आपको। बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो चैनल पर जाइए चेकआउट कर लीजिए। एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप डी की हो, एनटीपीसी की हो, एएलपी टेक्नीशियन की हो, जेई की हो, आरपीएफ की हो, कॉन्स्टेबल या एसआई की, या फिर बेटा कोई पैरामेडिकल की हो, या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर की हो, बायोलॉजी से अब तक आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, मैं चैप्टर वाइज शाम 7 बजे एक बैच स्टार्ट किया है मैंने 1 फरवरी से, जिसका नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी आरआरबी 2024। इस बैच में बेटा मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के बायोलॉजी के, चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। अभी तो बेटा ह्यूमन डिसीज स्टार्ट किया है, पहला ही चैप्टर चल रहा है। लगभग हम इस चैप्टर के 55-56 क्वेश्चन कर चुके हैं, और लगभग अब तक कहने का मतलब अब कम से कम इस चैप्टर में 100 क्वेश्चन और करवाना बाकी है। तो प्रत्येक चैप्टर के बेटा 100-150 क्वेश्चन करवाएंगे। तो बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टरों के आप प्रीवियस के क्वेश्चन कर लीजिए, फिर एग्जाम में बैठिए बेटा, 100 में से 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। इतनी बात क्लियर है? तो शाम को 7 बजे वाला बैच भी भैया ज्वाइन कर लीजिए। 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है आपको हमारे दोनों बैचों में ज्वाइन होने के लिए, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए। और कुछ नहीं चाहिए बेटा, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, और अब पढ़ते हैं हम नंबर 3 पर, हृदय पेशियाँ। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब हम बात करते हैं नंबर 3 पर हृदय पेशियों के बारे में, नंबर 3 पर हृदय पेशी के बारे में, यानी कि कार्डियक मसल्स के बारे में। पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप? पहला पॉइंट यही लिखोगे कि ये जो पेशियां पाई जाती है, ये हृदय में पाई जाती है। ये पेशियां हृदय में पाई जाती है, पहला पॉइंट। जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं बेटा, वो लिख लेना, डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रत्येक पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? यहां पेशियां हृदय में पाई जाती है। दूसरा, इन पेशियों में एक केंद्रक पाया जाता है, इन पेशियों में एक केंद्रक पाया जाता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया बेटा, सिर्फ एक केंद्रक पाया जाता है। नंबर 3 पर बात करते हैं बेटा, इन पेशियों में क्या हो रहा, लिखने में प्रॉब्लम आ रही। इन पेशियों में रेखित पेशी व अरेखित पेशी के गुण पाए जाते हैं, वह अरेखित पेशी के गुण पाए जाते हैं, रेखित पेशी व अरेखित पेशी के गुण पाए जाते हैं। और याद रखना बेटा, ये जो
पेशी होती है नंबर चार पर, ये जीवन भर चलती रहती है, जीवन भर चलती रहती है, यानी कि ना तो ये रुकती है और ना ही थकती है। जब इंसान जन्म लेता है बेटा, तब से चलना स्टार्ट करती है ये पेशी। जब तक इंसान की मृत्यु नहीं होती तब तक ये लगातार चलती रहती है। अगर बीच में ये रुक जाए या थक जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो बेटा आपको हृदय पेशी में सिर्फ इतना ही याद रखना है, बोलो। अब बताओ, तो किसी को कोई प्रॉब्लम रेखित पेशी में, अरेखित पेशी में और हृदय पेशी में? जितना मैंने आपको बताया है बेटा, आप उतना पढ़ लीजिए और मत पढ़ो। मैं गारंटी के साथ वादा करता हूँ, जितने मैंने आपको पॉइंट लिखाए हैं इन्हीं पॉइंट में से बेटा आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी बेटा यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल हो सकता है मैं आपको रेखित पेशी और अरेखित पेशी के बीच अंतर बता दूं और इससे संबंधित कुछ जानकारी और है, जैसे कि पेशियों की संरचना से संबंधित। और कहने का मतलब, आपको पता है अवायु श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जब हम ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है हमारी मांसपेशियों में, जिसके कारण हमें थकान महसूस होती है। वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके मसल्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है और इन मसल से संबंधित कुछ रोग है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे बेटा आने वाले नेक्स्ट दो क्लासों में। तो आज यहीं तक रखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।